पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज के लिए फेस न्यूज चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। यह नज़ारा है दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया का और दिन है संडे का। आमतौर पर जुमेरात को यहाँ श्रद्धालुओं की अधिक भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन चूंकि रविवार छुट्टी का दिन है तो सभी धर्मों के लोग अपनी अपनी अरदास लेकर बाबा के दरबार पहुँचते हैं। फेस न्यूज के चीफ एडिटर डॉक्टर मुश्ताक अंसारी ने आज दरगाह की मैनेजमेंट कमेटी के महासचिव सैयद कासिफ निजामी से मुलाकात की, जिसमें देश के मौजूदा हालात पर चर्चा की गई। आइए देखते हैं मुलाकात के कुछ मुख्य अंश। आज संडे का दिन है और हम महबूब इलाही हजरत निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह के प्रांगण में यहाँ मौजूद हैं। ऑफिस में कासिफ निजामी साहब, जो कि यहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं या मैनेजमेंट कमेटी के, तो उनके साथ आज हम यहाँ पे बात करेंगे। कुछ क्या ये सामाजिक मुद्दों पे हम बात करेंगे, तो आपका इस्तकबाल है निजामी साहब। तो मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगा, जैसे कि आजकल माहौल देख रहे हैं, बड़ा नफरत का माहौल देश में देखने को मिल रहा है, लोग दूसरे को बांटने की बात कर रहे हैं, मगर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, सभी धर्मों को लोग देखा जाता है, हमेशा से यहाँ रहे। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हो समाज को? देखिए, दरबार शरीफ हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का 800 साल हो गया दरबार में, और यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या धर्म के लोग आते हैं और सब बाबा को मानते हैं, बाबा निज़ामुद्दीन औलिया को। और यहाँ पे जो एक साथ बैठते हैं, उठते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, और यहाँ पे जो लंगर होता है, बगैर लहसन बगैर प्याज के भी लंगर होता है, क्योंकि हर धर्म के लोग यहाँ लंगर खा सकते हैं दरबार शरीफ में। और यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ से फैज जारी हजरत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का, मुरादें पूरी कर रहे हैं। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, जो भी आ सकता है यहाँ आइए, और जब हो सकता है, मगर दरगाह पे तो जोड़ने का काम है, यहाँ पे प्यार मोहब्बत का काम है, एकता का काम है। यहाँ पे हर आदमी आता है बाबा के मज़ार से, फैज जारी है, दुआ लेके जाता है बाबा निज़ामुद्दीन औलिया। मैं ये जानना चाहूँगा इसमें कि जैसे कि आजकल माहौल जो खराब होता जा रहा है, धीरे धीरे कई जगहों पर खबरें मिलती है इस तरह की, इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? देखिए, कुछ लोग होते हैं इसमें, जैसे नीचे के लोग हैं जो दंगा लाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, तो उन लोगों को कुछ समझाया जाए, जो शरारती लोग हैं, कि इसमें दोनों का नुकसान होता है, हिंदुओं का भी होता है तो मुसलमानों का भी होता है। तो पढ़े लिखे लोग जो है, वो हिंदुओं या मुसलमानों, वो नहीं चाहते कि झगड़ा दिल्ली में हो, हिंदुस्तान में हो, तो ये चाहते हम लोग मिल के साथ रहे, साथ उठे बैठे जैसे पहले बैठते थे, प्यार मोहब्बत का होना चाहिए, ये जो चल रहा है आजकल, मगर प्यार मोहब्बत कम होती जा रही है, जो पहले थी उससे बचे, जो ये लोग करते हैं उस चीज़ से बच के चले और प्यार मोहब्बत से रहे।